हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मारो जॉम्बी सुप्रीम का 4th एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन इससे पहले एक क्विक रिकैप। जब पता चला कि डॉक्टर मोर्टिमर टाइयो बीमार है, जो कि थे साइंटिस्ट पेगासिस में, तो उन्होंने लाशों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और वो भी स्क्वाडन सुप्रीम के जीन्स के साथ क्योर ढूंढने के लिए। और इसके रिजल्ट में हमें मिला स्क्वाडन सुप्रीम का जॉम्बीफाइड वर्जन, जिन्होंने पेगासिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और बहुत सारे साइंटिस्ट को मार दिया। तब एक मिलिट्री यूनिट ने उसका डिस्ट्रेस कॉल रिसीव किया और चल पड़ी उन्हें बचाने, बिना यह जाने कि प्रोजेक्ट पेगासिस में अंदर क्या है। लेकिन यह कुछ अच्छा नहीं हुआ, और इसी बीच एक ज़ॉम्बी वहाँ से भाग निकला, और उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तब जब सर्वाइवर्स ने एस्केप करने के लिए एक प्लान बनाया, तब उन्हें मिला एक स्पेस एनर्जी कंटेनमेंट, जिसमें थी मिस्टिकल पावर्स, और उसमें से मिला गुमशुदा हीरो जैक ऑफ हार्ट्स। ये बहुत ऑसम होने वाला था अगर वो बीच में ही अनकॉन्शियस नहीं हो जाता तो। तब पेगासस रिसर्च फैसिलिटी में हॉस कहता है, उन्होंने मुझे टिप और एरो के साथ बाइट किया है, और मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं अभी उन जैसा बनने वाला हूँ, और मुझे तुम कुछ कुछ टेस्टी लग रही हो। तब उसकी तरफ बढ़ते हुए नाइट हॉक कहता है, शेप उस यूटिलिटी पैसेज में जाने के लिए कोई और रास्ता होगा, वो ढूंढो। और तभी हार्पर कहती है, तो तुम इतने में ही हार मान गए? एक जॉम्बी बाइट तुम्हें मजबूर कर रही है? तुमने कभी ऑर्डर्स नहीं माने, लेकिन कुछ दांत तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। जैक ऑफ हार्ट्स अभी उठा नहीं है, और वो एक हीरो है, लेकिन जब तक वो हीरो नहीं बनता तुम्हारा क्या काम? तुम भी एक हीरो ही हो। और ऐसा सुनते ही वो बढ़ता है गोल्डन आर्चर की तरफ अपनी गन लिए। तब दोनों एक दूसरे को शूट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और आखिरकार गोल्डन आर्चर के पास पहुंचने पर वो उसके सर पर बंदूक रखते हुए कहता है, तो देखते हैं कि तुम्हारे माइंड में आखिर क्या है। और तब वो उसे शूट करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। तब लेडी लार्क आगे आकर हॉस को मार देती है, और सिर्फ हॉस का सर दूसरी जगह जाकर गिरता है। उसी वक्त हम देखते हैं पेगासिस अपर सिलो एलिवेटर शाफ्ट पर, जहाँ पर बैटल स्टार चढ़ रहा था उस शाफ्ट के जरिए ऊपर, और वो कह रहा था, अब कुछ ही दूर रह गया है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अगली बार इससे बेहतर करना होगा। और तभी ब्लू ईगल उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बैटल स्टार अगली बार तुम बचोगे ही नहीं कुछ करने के लिए। तब वो कहता है, ब्लू ईगल लगता है कि अब किसी को तुम्हारे पंख खींचने होंगे, और वो ऐसा करते हुए ब्लू ईगल को मार देता है। तभी वहीं पर सॉप बॉक्स अपनी लोकेशन बता रहा था मेन फ्रेम को, और तभी वहां पर पहुंच जाता है एम्फीबियन, और हड़बड़ी में वो अपने हाथ में जो गन थी उसी से शूट कर देता है एम्फीबियन को, और कहता है, तो पार्टिकल बीम जॉम्बीज के साथ ये करते हैं। और तब हम देखते हैं कि एम्फीबियन के पैर गायब हो चुके थे, लेकिन फिर भी एम्फीबियन उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब सॉप बॉक्स उसके दोनों हाथ गायब कर देता है, और उसका सर गायब करने वाला ही होता है कि तभी पीछे से आता है बैटल स्टार, और वो उसे कहता है, ऐसा मत करो। तब वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? इस पर वो कहता है कि फिजर की बदौलत वो मुझे लेकर भाग रहा था। और तभी बैटल स्टार उसे किक करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहां पर हम देखते हैं कि उनका पीछा कर रहे थे कुछ ज़ॉम्बीज। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर टाइयो के साथ बाकी बचे साइंटिस्ट जो ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिसे देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है, तो डॉक्टर डाइयो तुम यहाँ पर हो? जिस पर सॉप बॉक्स कहता है, तो यही वो सरफिरा साइंटिस्ट है जिसने ये सब किया। जिस पर डाइयो कहता है, तुम भी बाकी लोगों की तरह इस विजन के बारे में गलत सोच रहे हो। तुम अपने सोल सरेंडर कर दो उस चीज को जिसे तुम डर रहे हो, उस सोल को जिस सोल की जरूरत तुम्हारी बॉडी को नहीं है। तब बैटल स्टार कहता है, मुझे अब पता चला कि बाकी बच्चे स्टाफ के साथ क्या हुआ। वही दूसरी तरफ उस फैसिलिटी के अंदर हार्पर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर उसके बीच में आ रहा था हॉस का सर, और हॉस उसे बताता है कि उन जैक को उठाने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है ना तुमने उसकी फाइल पढ़ी है। तब वो कहती है, हाँ मैंने उसकी फाइल पढ़ी है, और मैं नहीं चाहती ये थ्योरी फिर से रिपीट की जाए। तब हमें बताया जाता है कि आखिरकार जैक के साथ हुआ क्या था। जैक एक नॉर्मल लड़का था, और जब वो एक दिन अपने पापा के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तभी कुछ लोग आकर उसके पापा को मार देते हैं और उसे फेंक देते हैं जीरो फ्लूड में, जो कि एक प्योर एनर्जी का फॉर्म था, और इस वजह से जैक बन जाता है प्योर एनर्जी, और वो एवेंज करने निकल पड़ता है अपने बाप के कातिलों को,
और इस बीच वो विलन्स और हीरोज जो भी उसके रास्ते में आए उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़े दिनों बाद उसे एक कॉन्ट्रैक्शन गर्ल मिलती है जो बताती है कि उसकी माँ भी वही थी और वो उसे अपने प्लेनेट ले जाती है, जहाँ पर थोड़े दिनों बाद उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शंस सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो वहाँ से वापस आकर वो एक एवेंजर बन जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसे खुद की एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए 14 घंटे एक जीरो रूम में बिताने होंगे। उसी दौरान उसे पता चलता है कि एक आदमी चिल्ड्रन प्रिजन में उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था, तो वो उसे पनिश करता है और इसी दौरान वो यूनिवर्स में लॉस्ट हो जाता है। और तब कैप्टन हार्पर जैक को हार्ट से कहती है, इससे भागो मत जैक, इससे लड़ो। एक आम आदमी तब हीरो बनता है जब सब कुछ चला जाए, तब भी वो सबको साथ रखता है। यहाँ पर सब कुछ लगभग जा चुका है, क्या तुम इन सबको साथ में रख पाओगे? और तभी हम देखते हैं कि उसने हॉस के सर पर डायनामाइट्स बांध रखे थे, जिस पर हॉस कहता है, तुम्हें पता है मुझे हॉस क्यों बुलाया जाता है? तब वो कहती है, ये बहुत ही डिसगस्टिंग सिचुएशन है तुम्हारे हॉर्स एटोनॉमी कंपेरिजन के लिए। तब वो अपने मुँह में फायरिंग पिन लेकर कहता है, तो चलो अब जो करना है वो करते हैं। तब वो उसे उस दरवाजे के बाहर फेंकती है और वो अपने मुंह से वो पिन छोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी जैक उठ जाता है। और तब कैप्टन हार्पर जैक ऑफ हार्ट्स को देखकर कहती है, मैं हूँ कैप्टन जिल हार्पर और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जिस पर जैक ऑफ हार्ट्स कहता है, जिल तुम एक वुमन होकर भी मेरे लिए बहुत काम की साबित हुई, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और इस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग जगह बन चुकी है। मुझे अपना दाव खेलने के लिए सिर्फ कुछ मूवमेंट्स की ज़रूरत थी। और तभी शेप आकर निगल लेता है जिल हार्पर को और कहता है, इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होगा। तब गुस्से में जैक ऑफ हार्ट्स कहता है, तो अब तुम्हारे सारे अंचर पंचर ढीले करने का वक्त हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या हाल होता है जब तुम एक असली हीरो से भिड़ते हो।